चलिए तो हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो वैसे तो हम लोग विस्तार से इसे उत्तर प्रदेश को पढ़ चुके हैं। आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सभी क्लासें डली हुई हैं। लेकिन इस बुक्स में किरण सामान्य ज्ञान में भी आपका एक टॉपिक था उत्तर प्रदेश, तो इसके बारे में कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की हम स्थिति बताते हैं। भारत के मैप्स में उत्तर प्रदेश कहाँ है? ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश, ये है आपका उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी हो गई लखनऊ। याद रखिए जब आपका उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश अलग नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, तब इसकी सीमा आपकी दे चीन से भी लगती थी, तिब्बत वाले हिस्से से। लेकिन अब इसकी सीमा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है, इसकी सीमा उत्तराखंड से भी लगती है, इसकी हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, हरियाणा से भी, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ दिख रही होगी आपको, छत्तीसगढ़, झारखंड से भी, बिहार से। तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, बिहार और दिल्ली, 9 राज्यों से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है, ठीक है, याद रखिए। ये कई बार पूछ लिया, एक बार MPPSC में भी पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा किस राज्य की सीमा अधिक राज्यों से लगती है, तो उत्तर प्रदेश की 9 राज्यों। इसकी राजधानी आपकी लखनऊ देखने को मिलेगी। प्रदेश का पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से पहले से आप लोग जानते थे। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये स्थिति है कि इसकी 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल देखने को मिलेगा, उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश, पूर्व में आपका बिहार, झारखंड भी, पश्चिम में आपका हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें हम लोग तो इसका क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या आपको है 19,98,12,341, कितनी 19,98,12,341 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या देखने को मिलेगी। इसमें से आपके पुरुष हैं 10,44,80,510, महिलाएं हैं 9,53,31,31,831। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या की बात करें तो यह 3,07,91,331। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु में तो 902 है, और वैसे लिंगानुपात आपका 912 प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं, यानी कि 912 महिलाएं हैं आपकी 1,000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 10 की वृद्धि की बात करें, यानी कि 2001 से 2011 के बीच की वृद्धि, तो ये देखी गई है 20.2% की। साक्षरता की बात करें तो 67.7% है, इसमें से पुरुष हैं आपके 73.3, महिलाएं हैं 57.2। कुल साक्षर व्यक्तियों की बात करें तो 11,43,97,555 है, इसमें से आपके पुरुष हैं 6,82,34,964 और महिलाएं हैं 4,61,62,591। ये 50% में नहीं है, याद रखिए, जनसंख्या है।
अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो ये इलाहाबाद में देखने को मिलेगा, इसकी खंडपीठ आपको लखनऊ में देखने को। हिंदी आपकी भाषा है, उर्दू को यहाँ दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। संभाग 18, जिले 75, विधानमंडल यहाँ द्विसदनात्मक है, यानी कि विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधानसभा सदस्यों की बात करें हम लोग तो इसमें आपका 2403 सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्य यही है, याद रखिए 403+1 यानी कि 403 सदस्यों को आपका जनता चुनती है और एक को मनोनीत किया जाता है, एक एंग्लो इंडियन चुना जाता है, याद रखिए। उसके बाद राजकीय पशु है वारे सिंह, राजकीय पक्षी है सारस के, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है ब्रह्मा कमल। याद रखिए 80 यहाँ की लोकसभा सीटें हैं, 31 यहाँ राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है, इन्हें भी याद रखिए। सबसे ज्यादा यही जनसंख्या है, उसी हिसाब से सीटें की संख्या भी यहाँ ज्यादा है। खनिज संपदा चूना पत्थर, ए आपका बपूहाटी, गुरु माकनाच मिर्जापुर, कजराहाट सोनभद्र में इसका इसे देख खनिज देखने को मिलेगा। डोलोमाइट ये आपका मिर्जापुर सोनभद्र बांदा तांबा ललितपुर जिले में, जिप्सम आपका झांसी हमीरपुर जिले में, कांच बालू ये आपका वाराणसी के चकिया करजना इलाहाबाद करवी तहसील बांदा एवं मऊ जिले में देखने को मिलेगा। संगमरमर की बात करें तो ये मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में देखने को मिलेगा। बॉक्साइट ये बांदा जिले के रजगांव गेनवा गांव में देखने को मिलेगा। नॉन प्लास्टिक फायर फिले ये मिर्जापुर की बांसी मकरी खोई क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यूरेनियम ललितपुर में, गिलास सैंड एक करजना आपका इलाहाबाद करवी तहसील बांदा मऊ जिला में भी, फेराइट्स एवं एंडालूसाइट ये मिर्जापुर सोनभद्र में, हीरा आपका बांदा जिले मिर्जापुर में, किस किस में बांदा जिले और मिर्जापुर। कोयला की बात करें तो ये गौड़बाना सोनभद्र में, सिंगरौली मिर्जापुर में, ये एमपी में भी इसका हिस्सा पड़ता है सिंगरौली का। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो ये बांदा में, एस्बेस्टस ये मिर्जापुर में। पर्यटक स्थलों की बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पर्यटक स्थल भी बहुत कुछ ज़्यादा ही हैं। आगरा में आपने देखा होगा ताजमहल, आप लोग जाते भी रहते हैं, इसके निर्माणकर्ता थे शाहजहां, लाल किला अकबर ने बनवाया, जामा मस्जिद इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इत्मादौला का मकबरा इस नूरजहां ने बनवाया था, चीनी का रोजा रामबाग ये सभी आगरा में देखने को मिलेगी। सारनाथ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था जिसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। कुशीनगर बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, कुशीनगर। अब राज्य के यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात करें तो ये आपकी विश्वविद्यालय का नाम हो गया, स्थान हो गया जहाँ स्थापना वर्ष हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये इलाहाबाद में है आपकी, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, यानी कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये बनारसी में है, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 1921 में इसकी स्थापना की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये आगरा में देखने को मिलेगा आपको, 1927 में इसकी स्थापना की गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये वाराणसी में देखने को मिलेगी, 1974 में इसकी स्थापना की गई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में देखने को मिलेगा, 1957 में इसकी स्थापना की गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये वाराणसी में देखने को मिलेगा, 1958 में इसकी स्थापना की गई। छत्रपति साहू जी महाविद्यालय महाराज विश्वविद्यालय एक कानपुर में देखने को मिलेगा, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, कब 1965 में। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये मेरठ में देखने को मिलेगा,
1965 में इसकी स्थापना की गई। फरियाब का आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में देखने को मिलेगा। 1874 में इसकी स्थापना की गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में, इसकी स्थापना 1975 में की गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में मिलेगा, 1975 में इसकी स्थापना की गई। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना आपकी बरेली में है, 1975 में इसकी स्थापना की गई। दयालबाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान आगरा में देखने को मिलेगा, 1981 में इसकी स्थापना की गई। कब? 1981 में। फिर आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और फिर आपका प्रौद्योगिकी ये कानपुर में 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1974 में। ठीक है, फिर आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना आपकी जौनपुर में है, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये आपका लखनऊ में है, 1989 में इसकी स्थापना। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ये आपका सारनाथ में है, इसकी स्थापना 1989 में की गई। कब? 1989 में। इसके बाद आपका है आगे राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये आपका इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1998-99 में की गई। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये आपका इलाहाबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में, सन 2000 में इसकी स्थापना की गई। मारखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में देखने को मिलेगी, सन 2001 में इसकी स्थापना की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक कानपुर में देखने को मिलेगा, 1959 में इसकी स्थापना की गई। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है, 1998 में इसकी स्थापना की गई। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में देखने को मिलेगा, 1983 में इसकी स्थापना की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में देखने को मिलेगा, सन 2000 में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश टेक्निकल विश्वविद्यालय लखनऊ में देखने को मिलेगा, सन 2001 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका तीर्थ स्थलों की बात कर रहे थे, बीच में आपकी यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। बरसाना, यह आपका भगवान श्री कृष्ण की उपासिका राधा का जन्म स्थान है। यहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है आपकी बरसाना की। मगहर, संत कबीर का महाप्रयाण यहाँ स्थल है। कालपी, महारानी लक्ष्मीबाई की छावनी। अयोध्या, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। वाराणसी, काशी भी बोलते हैं इसे, विश्वनाथ मंदिर के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इलाहाबाद, जिसे अब आप लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती के संगम पर स्थित है, तीर्थराज के नाम से भी इसे बोलते हैं। फिर आपका जनजातियाँ यहाँ की बात करें तो आपको थारू, बुक्सा, माहीगीर, सौका, खरवार यहाँ जनजातियाँ देखने को मिलेंगी। कम ही जनजातियाँ वाला क्षेत्र है। अनुसूचित जातियाँ यहाँ ज़्यादा रहती हैं। राष्ट्रीय शोध संस्थान की बात करें तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये लखनऊ में देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर ये लखनऊ में देखने को मिलेगा। प्रमुख आपके औद्योगिक संस्थानों की बात करें तो भारत
इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद में, किंतिम अंग निर्माण निगम कानपुर, भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कानपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका सीमेंट कारखाना चौक डाला कजराहट में देखने को। उर्वरक कारखानों की बात करें तो इलाहाबाद गोरखपुर, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में, अपट्रॉन डिजिटल सिस्टम लखनऊ, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी इलाहाबाद में, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री आपका वाराणसी में, मॉडर्न बेकरीज ये कानपुर में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक नॉटिक्स लिमिटेड ये कानपुर और लखनऊ दोनों जगह है। फिर आपका खनिज तेल शोधक कारखाना ये मथुरा में देखने को मिलेगा, त्रिवेणी स्ट्रक्चर ये नैनी इलाहाबाद में देखने को मिलेगा, आयुध उप इसकर कारखाना ये हजरतपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ? हजरतपुर में। फिर आपके राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी एवं नेता जिन्होंने एक क्रांतिकारी हो गए ये आपके नेता हो गए। क्रांतिकारी में आपके चंद्रशेखर आजाद साहब, आपने देखा होगा चंद्रशेखर गार्डन आप इलाहाबाद गए होंगे तो, कंपनी गार्डन भी बोलते हैं इसे। फिर आपके राम प्रसाद बिस्मिल साहब, रोशन लाल ये सभी उत्तर प्रदेश के, राजेंद्र लहेड़ी, राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, पंडित परमानंद, बटू केशव दत्त, विजय कुमार सिंघा, राजकुमार सिंघा। और नेताओं की बात करें तो नेता आपको देखने को मिलेंगे पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आनंद भवन आपने देखा होगा मौल इलाहाबाद में ही है, मौलाना शौकत अली साहब, मौलाना मोहम्मद अली, सी बाई चिंतामणि, गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव, तेज बहादुर सप्रू संपूर्णानंद, लाल बहादुर शास्त्री और रफ़ी अहमद किदवई ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के ही थे। फिर ये आपके कुछ पक्षी विहार भी दिए गए हैं, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है आपका। तो इनका नाम हो गया, स्थापना वर्ष हो गया, और जिस तरह क्षेत्रफल में ये फैले हुए हैं उनका नाम हो गया, और जनपद जहाँ स्थित हैं ये जनपद हो गया। नवाबगंज पक्षी विहार, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, ये आपका 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये उन्नाव में पड़ता है। शमसपुर पक्षी विहार, ये आपका 1987 में इसकी स्थापना की गई, ये 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, रायबरेली में है। लाख बहोसी पक्षी विहार 1988 में इसकी स्थापना हुई, ये आपका 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार, ये आपका 1990 में बना, 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, हरदोई में देखने को मिलेगा। वखीरा पक्षी विहार 1990 में स्थापना की गई, ये आपका 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, बस्ती जिले में। ओखला पक्षी विहार, ये आपका 1990 में इसकी स्थापना की गई, 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, गाजियाबाद में। सामन पक्षी विहार, इसकी स्थापना 1990 में की गई, 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, मैनपुरी में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार 1990 में बना, 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, गोंडा जिला में। किसमें? गोंडा में। उसके बाद है विजय सागर पक्षी विहार, 1990 में इसकी स्थापना की गई, ये आपका 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, हमीरपुर में। पटना पक्षी विहार 1990 में इसकी स्थापना की गई, ये आपका 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, एटा में। सोरहाताल पक्षी विहार 1991 में इसकी स्थापना की गई, 34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बलिया में। सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 में इसकी स्थापना की गई, ये आपका 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, आगरा में। कहाँ? आगरा में। कुछ आपके संग्रहालय भी हैं ये भी पूछ लेता है, तो कला भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये आपका लखनऊ में देखने को मिलेगा, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट ये आपकी लखनऊ में देखने को मिलेगी, सारनाथ संग्रहालय ये सारनाथ में देखने को मिलेगा, इलाहाबाद संग्रहालय ये इलाहाबाद में देखने को मिलेगा, राहुल सांकेतायन संस्थान ये गोरखपुर में, पंचाल इतिहास परिषद संग्रहालय ये आपका बरेली में,
रानी संग्रहालय ये झांसी में आपका देखने को मिलेगा, मथुरा संग्रहालय आपका मथुरा में, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय ये आपका बांदा में देखने को मिलेगा। अब यहाँ आपकी नदियाँ भी देखते हैं आप लोग, बहुत नदियाँ निकलती हैं, नदियों के किनारे बसे नगर, ये आपके नगर हो गए, नदियाँ हो गए। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के किनारे बसा हुआ है संगम पर, राजघाट गंगा के, लखनऊ आपका गोमती नदी के, मथुरा आपका यमुना नदी, जौनपुर गोमती नदी, वृंदावन यमुना नदी, सुल्तानपुर गोमती, हमीरपुर यमुना, कानपुर गंगा, कौसाम्बी यमुना, वाराणसी गंगा किनारे, बटेश्वर यमुना, मिर्जापुर गंगा, गोरखपुर राप्ती। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है। अब आपके वन्य जीव बिहार की बात करें, ये आपके नाम हो गए, इनके स्थापना वर्ष हो गया, क्षेत्रफल हो गया और जनपद हो गया। चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार, इसकी स्थापना 1956-57 में हुई, 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये आपका वाराणसी में देखने को आपको मिलेगा, कहाँ? वाराणसी में। किशनपुर वन्यजीव बिहार, ये आपका इसकी स्थापना 1972 में की गई, 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। फिर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव बिहार, 1979 में इसकी स्थापना की गई, 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, आगरा और इटावा में देखने को मिलेगा आपका। फिर आपका कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार, इसकी स्थापना 1976 में की गई, 410 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बहराइच में। रानीपुर वन्यजीव बिहार, 1977 में इसकी स्थापना की गई, 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बांदा में। महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार, 1977 में इसकी स्थापना की गई, ये आपका 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ललितपुर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, 1977 में इसकी स्थापना की गई, 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लखीमपुर खीरी में। कैमूर वन्यजीव बिहार, 1982 में इसकी स्थापना हुई, 501 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मिर्जापुर सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार, 1986 में इसकी स्थापना की गई, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मेरठ हो गया, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में, ठीक है। उसके बाद है आपका सुहागी बरवा वन्यजीव बिहार, इसकी स्थापना 1987 में की गई, 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है महाराजगंज में। फिर आपका सुहेलवा वन्यजीव बिहार, इसकी स्थापना 1988 में की गई, 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बहराइच गोंडा में। कछुआ वन्यजीव बिहार, इसकी स्थापना 1989 में की गई, 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बनारसी में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव बिहार, सन 2003 में बना, 457 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कुंडा और प्रतापगढ़ में। अब है आपके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1947 तक की, इससे भी क्वेश्चंस आपके अधिकतर पूछते हैं। ये आपका वर्ष हो गया, स्थान हो गया जिस स्थान पर हुआ था, अध्यक्ष हो गए। ये आपका 1888 में, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1885 में आपके कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। पहला इसका अधिवेशन मुंबई में किया गया था, आपने सुना होगा। 1888 में इलाहाबाद में किया गया, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, याद रखिए। 1892 में किया गया इलाहाबाद में, इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 1899 का लखनऊ में किया गया, इसके अध्यक्ष थे रोमेश चंद दत्त। 1905 ये बनारस में किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 1910 इलाहाबाद में सर विलियम बिडरमन ने इसकी अध्यक्षता की। 1916 का लखनऊ में अम्बिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1925 का कानपुर, ये आपकी प्रथम भारतीय महिला थी इसकी अध्यक्षता करने वाली, श्रीमती सरोजिनी नायडू साहब। 1936 का लखनऊ में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की।
और 1946 का मेरठ में हुआ। इसके अध्यक्ष थे आचार्य जी बी किपलानी। ठीक है, इन्हें याद रख लीजिए अच्छे से। पता है इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं पीसीएस में, यूपी पीसीएस में। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करने वाला महान व्यक्तित्व, ये स्थान हो गया जिस स्थान का नेतृत्व कर रहे थे, ये नेतृत्व करता हो गया। लखनऊ बेगम हजरत महल, इलाहाबाद लियाकत अली, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर नाना साहब और अजीमुल्ला, मथुरा देवी सिंह, मेरठ कदम सिंह, कालपी तत्या टोपे, फैजाबाद मौलवी मोहम्मद अल्लाह। एक बात याद रखिए, इसे सैनी में लगाने के लिए आपका आएगा, तो आपको सभी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी फिर झीले हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में जो झीले हैं उनके नाम हैं, मालवा ताल झील, मानसी गंगा झील, गोखुर झील, देवहरी झील, हिंगवा झील, डोमनीगढ़ झील, कीथम झील, गिरी ताल झील, पुना ताल झील, चंदेला झील, करेला झील। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें हम लोग, अगर बहुउद्देशीय परियोजनाएं, रेहंद बांध परियोजना, यह आपकी सोनभद्र जिले में पिपरी स्थान पर रेहंद नदी पर स्थित है, याद रखिए रेहंद नदी पर। इसमें आपको तीन पॉइंट याद रखना है, क्या रेहंद बांध परियोजना, फिर उसके बाद किस जिले में है, और उसके बाद क्या किस नदी पर स्थित है। ठीक है, शारदा परियोजना, यह आपकी शारदा नहर वनवासा नामक स्थान पर देखने को मिलेगा। रामगंगा परियोजना धामपुर बिजनौर में देखने को मिलेगा। इसकी बात की ऊंचाई है 128 मीटर। गंडक परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, राजघाट बांध परियोजना, उसके बाद है आपकी लखवार ब्यासी बांध परियोजना, माता टीला परियोजना झांसी के निकट बेतवा नदी पर, शारदा सहायक परियोजना ओबरा जल विद्युत केंद्र। उसके बाद आपके हैं प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, कबीरदास इनकी रचना का शबद रमेणी साखी है, इन्हें भी याद रख लीजिए, इनसे भी आते रहते हैं क्वेश्चन। संत रैदास बानी नाम से फुटकर छंदों की रचना की, सूरदास सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। फिर आपके बाद महत्वपूर्ण गोविंद गोस्वामी तुलसीदास साहब, इन्होंने रामचरित मानस लिखी, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवित रामायण, रामलला लहचू, कवितावली, जानकी मंगल आदि। महाकवि भूषण किए हैं शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशरथ। जगने की है आला चरित, मुंशी इंसा अल्लाह खान, रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित, बिहारी लाल, बिहारी सत्सई, लल्लू लाल, सिंहासन बतीसी, बेताल पच्चीसी, प्रेम सागर। फिर आपके मुंशी प्रेमचंद साहब, मुंशी प्रेमचंद साहब, गबन हो गई गोदान, सेवा सदन, निर्मला कर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद, कश्मीरी कुसुम, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद, चंदावली, बादशाह, दर्पण, मुद्रा राक्षस, हमीर भट्ट, प्रेम तरंग, या आपकी भारतीय हरिश्चंद साहब की हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट, पद्मावती और निबंध, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, काव्य मंजूषा, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, जल चिकित्सा। फिर आपके पंडित अयोध्या प्रसाद सिंह हरोद चौके, इनके चौके चौपदे, पद्य पिसून, प्रिय प्रवास, विदेही वनवास, परिजात। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ इनकी और हैं कभी इनकी देख लेते हैं, उसके बाद ये पॉइंट दिया गया है इसके बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र फुटकर निबंध, हट्ठी हमीर, कली कुतुब रूपक नाटक, मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा
साकेत, जयद्रथ, वत, भारती भारत भारती द्वापर, सुमित्रानंदन पंत, वीणा, युगांत, ग्रंथि, उत्तरा, अतिमा, हार, युगपत, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, तुलसीदास, अनामिका, परिमल, अप्सरा, प्रभावती, चतुरी, चमार, समन्वय, मतवाला, माधुरी, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये सभी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की। महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यमा, छड़ना, छड़ना, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, डॉक्टर हरिवंश बच्चन, इनकी मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, तेराहार, मधुकलश, मधुयामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण। फिर रहे जयशंकर साहब, इनकी कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामी, राहुल संकेत्यायन, इनकी है आपकी सिंह सेनापति, बोलगा से गंगा, काल मार्क्स, महामानव बुद्ध, मेरी जीवनी यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, विश्व की रूपरेखा, जैनंद कुमार, पूर्वोदर, साहित्य संचय, परख, सुनीता, सुखदा, फांसी एक रात, ध्रुव यात्रा, एक दिन, वातायन, त्यागपत्र, ये सभी आपके जैनंद कुमार साहब की रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार और वितर्क, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य, बाणभट्ट की आत्मकथा, मेरा बचपन, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्सायन अग्गे, इसकी त्रिपथगा, कोठरी की बात, शेखर की एक जीवनी लिखी, कागत कोरे, त्रिशंकु, उत्तर प्रियदर्शी, मलिक मोहम्मद जारसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। फिर आपके वृंदावन लाल वर्मा, इनकी मेघनयनी, झांसी की रानी, चित्रलेखा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, इनकी चितवन की छाएं, साहित्य की चेतना, रीति विज्ञान, पंडित नरेंद्र शर्मा, कामनी, द्रौपदी, उत्तर जय, सूल फूल, कदलीवन, प्यासा निर्जय, प्रवासी के गीत, कन्हैया लाल मिस प्रभाकर, इनकी है आपकी जिंदगी मुस्काई मुस्कराई, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, दीप जले, शंख बजे, भूले बिसरे चेहरे, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, इनकी है उर ज्योति, पृथ्वीपुत्र और पाणिनी, कालीन भारत। अब जे प्रसिद्ध नगर हो गए उनकी चर्चित उपनाम लखनऊ, इसे आप किस किस नाम से जानते हैं, नवाबों का शहर भी कहते हैं आप लोग लखनऊ, बागों का शहर भी, नजाकत नफासत का शहर भी कहते हैं, वाराणसी घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, राणसाड़ और पन्नों का नगर, आगरा ताज नगरी, पीठा नगरी भी कहते हैं, इलाहाबाद संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थ राज, गोरखपुर गोरखधाम, नाथ नगर, मथुरा कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर, पन्नों का की नगरी, फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, सुहागनी सुहागनगरी, मुरादाबाद बर्तनों का शहर भी कहते हैं, पीतल नगरी, मलिहाबाद आमों का नगर, गाजियाबाद उद्योग नगरी, छोटा दिल्ली, अयोध्या रामनगर, राम भूमि स्थल, तीर्थ नगर, कन्नौज खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी, अलीगढ़ को ताला नगरी, बरेली को सूरमा नगरी और बांस नगरी, कानपुर को आप लोग उद्योग नगर भी कहते हैं, चरम नगर भी कहते हैं, मेरठ क्रांति नगर, कैंची नगर, रामपुर चाकुओं का नगर, नवाबों का नगर शहर, गाजीपुर काशी की बहन, गाजीपुर को क्या कहते हैं, काशी की बहन। तो ये थी आपकी उत्तर प्रदेश की कहानी, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे आपके।